हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अड्डा चैनल पे। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ वैदिक एज पे। इससे पहले हमने एशियन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यंस के बारे में। अब हम जानेंगे इसके आगे वैदिक एज। तो मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा वैदिक एज के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अ कैंडल लूज नथिंग टू इनलाइट अनदर कैंडल। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैदिक एज, वैदिक एज का इंटरवल था दोस्तों 1500 से लेकर 600 BC तक वैदिक एज का था। और वैदिक एज में मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक तो वैदिक सोसाइटी और वैदिक लिटरेचर। और वैदिक सोसाइटी को भी अलग अलग पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक अर्ली वैदिक जिसे ऋग वैदिक बोलते हैं और दूसरा लेटर वैदिक। ठीक है, ये सब टाइम इंटरवल में जो जो हुआ था मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो चलिए वैदिक एज से जानते हैं। वैदिक एज के बारे में कहाँ से पता चलता है? वैदिक एज के बारे में वेदास से पता चलता है। वेदास एक रिलीजियस टेक्स्ट है, उसमें सब कुछ लिखा है कि वैदिक एज के लोग कैसे रहते थे, उनका पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक पैटर्न कैसे था, वो सोसाइटी को कैसे चलाते थे, तो सब कुछ डिटेल लिखे हैं वैदिक एज में। अब जो मैंने आपको पहले बता दी कि वैदिक एज 1500 से लेकर 600 BC के इंटरवल के टाइम तक था। अब देखिए, माना जाता है जब आर्यंस के, हमने लेक्चर में से पहले वाला जो लेक्चर है आर्यंस के बारे में, उसमें हमने पढ़ा कि आर्यंस इंडियन कॉन्टिनेंटल में 2000 से लेकर 1500 BC तक आए थे। तो जो ये वैदिक एज पीपल थे, इनको हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उससे पता चलता है कि आर्यंस ही वैदिक एज के लोग थे। अब देखिए, जो ये आर्यंस थे, जो वैदिक एज के ही लोग थे, ये लोग कहाँ पे बसे? सबसे पहले सप्त सिंधु में बसे। सप्त सिंधु को बोलते हैं द लैंड ऑफ सेवन रिवर, और ये रीजन पड़ता है ईस्ट अफगानिस्तान, पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश। और ये सप्त सिंधु मतलब द लैंड ऑफ सेवन रिवर, इसमें जो सात रिवर है इसके आसपास, इंडस, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। ठीक है, ये सेवन रिवर के अराउंड ये पूरा वैदिक एज था। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी देखिए, जैसे हम लोग इंडिया ने अपने जो रिवर्स के वाटर रोकने के लिए बात की थी कि पाकिस्तान में पानी ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें बड़ी बदतमीजी वाली थी, तो कौन से रिवर के पानी रोकने वाले थे? रावी रिवर। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं कि जो वैदिक एज के लोग थे, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वैदिक एज में आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, वैदिक सोसाइटी और वैदिक लिटरेचर। और अभी हम वैदिक सोसाइटी में भी पढ़ेंगे ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। जो ऋग वैदिक को ही अर्ली वैदिक बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 BC, और लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड था 1000 से लेकर 600 BC। तो चलिए हम जानते हैं ऋग वैदिक में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक एज को हम क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक एज। ठीक है, तो मैंने आपको ऋग वैदिक एज के बारे में बताता हूँ। ऋग वैदिक एज के बारे में थोड़ी इकोनॉमिक के बारे में जान लिए, उनकी इकोनॉमिक कैसी थी। ये देखिए, जैसे मैंने बता दिया कि ऋग वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज दोनों सेम ही है, कुछ भी आप बोलिए एग्जाम में, कोई भी है अर्ली वैदिक रेग या ऋग वैदिक एज, एक ही बात है। ठीक है, और इसके बाद लेटर वैदिक एज भी पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक एज में जो इनकी इकोनॉमिक थी, ये बेसिकली में जो आर्यंस आए थे, आर्यंस बस गए, तो उन्हीं ने वैदिक एज के वही लोग थे। तो पहले सेमी नोमेड थे, इतने कल्चर नहीं थे, इतने सिविलाइज नहीं थे तब, ये पढ़े लिखे नहीं थे, फार्मिंग करते थे उस टाइम, थोड़ा सिविलाइज और हो चुके थे, फार्मिंग भी कर लेते थे। और उनके दौरान जो वेल्थ था ना, जो इकोनॉमिक था, ये बेसिकली में जो आर्यंस थे और जो ऋग वैदिक एज के लोग थे, ये वॉरियर थे और ये कैटल जानवरों के लिए लड़ा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो इकोनॉमिक चलती थी वो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो कैटल थे, और कैटल में भी सबसे ज़्यादा काऊ। और आप देखिएगा तो ऋग्वेदा में एक गौरी वर्ड, काऊ को हिंदी में गौरी बोलते हैं, इसको 176 टाइम ऋग्वेदा में मेंशन है ये। ठीक है, ऋग्वेदा एक बुक है, ठीक है, जिसमें 1028 हाइमेंस है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं बता दूँ जो ऋग्वेदिक इकोनॉमिक के बारे में, तो पता चल गया कि काऊ पे इकोनॉमिक थी, कैटल्स पे थी। और इन लोग, एक और आप जान सकते हैं, कभी पूछ लेता कि अघन्या का मतलब क्या होता है, तो अघन्या ये ऋग्वेदिक ही बुक में ये मेंशन है। तो अघन्या का मतलब होता है नॉट टू किल, मतलब गाय को मारना नहीं चाहिए, गाय को पूछते हैं। ठीक है, अब ऋग्वेदिक की पॉलिटिक क्या थी, इनका पॉलिटिकल कंडीशन क्या था? तो ऋग्वेदिक का जो हेड होता था, वो ट्राइब का हेड होता था, उसे जाना बोलते थे, और ये रिस्पॉन्सिबल होता था ट्राइबल असेंबली के, कि मतलब कैसे सोसाइटी को चलाना है। इनके ट्राइबल जो असेंबली होते थे तब, साभा, समिति, घाना और विधाता, ये चार असेंबली हुआ करती थी, जिसमें आपके साभा में जो एल्डर पीपल थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो साभा असेंबली में रहते थे।
विधाता का मेन काम था कि फंक्शन को कैसे बांटना एक दूसरों के बीच में। समिति बेसिकली में होल क्लेन, पूरा क्लेन आ जाता, जितना भी लोग है ना असेंबलीज में, और जो भी क्लेन मतलब आपको बोल सकते हैं एक समुदाय, तो सारे समुदाय आ जाते थे। और यहाँ पे आपको एक और बता दूँ कि इन लोग पूछते किससे थे, पूजा ये करते थे। आप देखिएगा ऋग्वेदिक के लोग पूजा करते थे इंद्रा अग्नि वरुण, और वही लेटर वैदिक केज में चेंज हो जाता है, वो प्रजापति को पूछते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो फैमिली का हेड होता था, ठीक है, जो फैमिली का हेड होता था ऋग्वेदिक एज में, उसे कुलपा बोलते थे, ठीक है, और वही पूरा कंट्रोल करता था, उसके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए कुछ ऋग्वेदा के टाइम पे जो नदियों के नाम थे, और अभी मॉडर्न नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, यूपीएससी बोलिए, बैंक बोलिए, एसएससी पूछ लेता है कि इंडस का पहला नेम क्या था, जो ऋग्वेदिक नेम था वो इंडस का क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस का सिंदस नाम था, और झेलम का बितास्ता नाम था, बितास्ता झेलम को बोलते हैं, ठीक है, पहला। और पहले जिसको अस्किन बोलते थे ना, आज उसका चिनाब, चिनाब को पहले क्या बोलते थे, अस्किन। रावी को क्या बोलते थे, परुशिनी, ठीक है, ब्यास को बिप्सा, ठीक है। तो ये आप सतलुज को सातुदी, ये आपको नाम याद रखने की मॉडर्न नेम और पहले ऋग्वेदिक नेम क्या थे रिवर्स के। अब जान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि मैं वैदिक आपको सोसाइटी में दो भाग में पढ़ाऊंगा, एक ऋग्वेदिक जिसे अर्ली वैदिक बोलते हैं वो मैंने पढ़ा दिया, अब लेटर वैदिक जानते। देखिए ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक में अंतर मैं बताता हूँ। जो ऋग्वेदिक के लोग थे, ठीक है, वो सप्त सिंधु मतलब सेवन रिवर के ट्रिब्यूटरीज के पास रहते थे, और जो लेटर वैदिक के लोग आए वो शिफ्ट हो गए, वो गैंगेटिक प्लेन गंगा के किनारे शिफ्ट हो गए। और जो ऋग्वेदिक के टाइम में जिसे अर्ली वैदिक भी बोला जाता था, उसके टाइम उनका जो चीफ फूड क्रॉप था ना वो बर्ली था, और लेटर वैदिक एज में जो चीफ फूड क्रॉप हो गया वो वीट और राइस हो गया। जो अर्ली वैदिक एज जिसे ऋग्वेदिक एज भी बोलते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट थे इंद्रा अग्नि वरुण, ये गॉड इंपॉर्टेंट थे। और लेटर वैदिक एज में कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, प्रजापति, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो अर्ली वैदिक एज में जो वेल्थ था, जिसमें इकोनॉमिक चलती थी, वो काउ था, चीफ फूड था, डेयरी प्रोडक्ट चीफ फूड था। और जो लेटर वैदिक एज में जो वेल्थ हो गए, लैंड हो गए, गोल्ड हो गए। अब देखिए जो ऋग्वेदिक एज से लेटर वैदिक एज आया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म क्यों हुआ, क्यों इतना कुछ चेंज हो गया, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि वैदिक एज चला था 1500 से लेके 600 BC, उसमें अगर हम वैदिक सोसाइटी में पढ़ते हैं तो ऋग्वेदिक जिसे अर्ली वैदिक एज बोलते हैं और लेटर वैदिक एज, तो जो ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक एज था वो 1500 से लेके 1000 BC तक चला था, ठीक है, और लेटर वैदिक एज 1000 से 600। तो 1000 BC में ऐसा क्या होता ना कि 1000 BC में आयरन का डिस्कवरी हो गया था, तो आयरन के डिस्कवरी होने के कारण बेटर प्लाउज हो गए, क्रॉप्स ज़्यादा आने लगे, फूड एबंडेंसी हो गई, ठीक है, लैंड इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ज़मीन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि फार्मिंग होना स्टार्ट हो गया। तो पहले जो इंपॉर्टेंट था कैटल, अब यहाँ पे क्या हो गया, वेल्थ, लैंड हो गया। तो देखिए, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अर्ली वैदिक एज के लोग थे वहाँ पे जो वर्ण सिस्टम था, जैसे वर्ण ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र, ये ऑक्यूपेशन था, मतलब जो जैसा काम करेगा उसके हिसाब से वैसा रहेगा। कोई लोहार का काम कर रहा है तो शूद्र या वैश्य में आएगा, कोई लड़ाई कर रहा है वो क्षत्रिय में आएगा। पर लेटर वैदिक एज में ऐसा नहीं था, लेटर वैदिक एज में था कि जिसमें आप पैदा हुए उसमें, अगर आप राज घराने में पैदा हुए तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, आप पंडित के घर में पैदा हुए तो आप क्या कहलाएंगे, ब्राह्मण। तो ऐसा ही था, दास के घर में पैदा हुए तो आप चमार के घर में पैदा हुए तो आपको शूद्रा में ही गिना जाएगा। तो लेटर वैदिक एज में जो वर्ण सिस्टम रिजिड था। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बोल पूछता है कि ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक एज में सबसे बड़ा एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग, जिसे किंग सुदास ने लड़ा था, और उनने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई थी कि हाँ मेरे पास पावर है, और वो बैटल ऑफ 10 किंग जीते भी थे। कौन, किंग सुदास, जिसे दस रंजन भी बोला जाता था, ठीक है। अब देखिए लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज के बाद डिफरेंस जान गए, अब हम लेटर वैदिक एज के बारे में थोड़ा और जान देते। लेटर वैदिक एज को बोलते हैं पेंटेड ग्रेवियर, ठीक है, ये एज को क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रेवियर, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये आर्यंसी वैदिक एज के लोग थे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आर्यंस का नाम है ना, तो आप समझ जाना कि आर्यंस वैदिक एज के ही लोग माने जाते थे। तो इनका जियोग्राफिकल एक्सटेंट आप देख सकते हैं, ईस्टवर्ड से साउथवर्ड एरिया में आए थे, पंजाब, ठीक है, ये सेटल हुए थे दिल्ली और अपर गैंगटिक डोब, जैसे मैंने बताया था अर्ली वैदिक लोग कहाँ पे, सप्त सिंधु, लैंड ऑफ सेवन रिवर, बट जो लेटर वैदिक में था वो गैंगटिक प्लेन के पास सेटल हो गए थे। सोशल लाइफ भी मैंने आपको बता दी, जो वर्ण सिस्टम था कैसे था, कि लेटर वैदिक एज में वर्ण सिस्टम रिजिड था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जैसे घरों में पैदा होते थे उसके हिसाब से।
अब इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, हमने देखा अर्ली वैदिक एज में ट्राइबल असेंबली हुआ करते थे, बट यहाँ पे ट्राइबल असेंबली से क्या होगा ना, यहाँ पे बेसिकली में क्या होने लगा, एम्पायर बिल्ड होने लगा, यहाँ पे किंग हो गया। पहले एक ट्राइबल हेड था जाना, या फैमिली का हेड कुलपा था, ठीक है, जो अपने डिसीजन लिया करते थे, मगर लेटर वैदिक एज में क्या हो गया कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज किंग होने लगे, किंग का अपना छोटा मोटा एम्पायर भी होने लगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा रिलीजियस, रिलीजियस पहले हम नेचुरल चीज़ों को पूजते थे, ऋग वैदिक एज जैसे अर्ली वैदिक एज में हम इंद्रा अग्नि वरुण को पूजते थे, पर लेटर वैदिक एज में हम क्या पूजने लगे, प्रजापति ब्रह्मा विष्णु ये सब, ठीक है, ये सब थे, पोट्री भी थे, ठीक है। लेटर वैदिक एज में लोग ब्लैक और ब्लैक पोट्री यूज़ करने लगे, पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री बनाने लगे, तो थोड़ा और सिविलाइज हुए, थोड़ा और चीज़ें जाने। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए मैंने जैसे आपको बता दिया था कि वैदिक एज को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, वैदिक सोसाइटी और वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक सोसाइटी में अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज हमारा दोनों खत्म हो गया। अब हम वैदिक लिटरेचर में जानेंगे। देखिए वैदिक लिटरेचर में भी दो चीज़ जानना है, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब डिवाइन ओरिजिन, ये किसी ने लिखा नहीं है, भगवान से सुना गया मानते हैं, ठीक है, थीके? जैसे हो गया वेदा, उपनिषद, ब्रह्मनास, अरयनकास, ये भगवान के द्वारा कहा गया है, ठीक है, ये माना जाता है। और स्मृति होता है जो ह्यूमन ओरिजिन होता है, मतलब इंसानों ने लिखा है, ठीक है, जैसे वेदंगा, मनुस्मृति, ठीक है, जिससे मनु ने लिखा था, हिंदू लॉ बुक था मनुस्मृति, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं वैदिक लिटरेचर में। तो देखिए वैदिक लिटरेचर में मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ वेदास, ठीक है, वेदास कितने टाइप के थे, ठीक है। पहले हम ऋग्वेदा के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेदा बेसिकली में एक सबसे पुराना बुक है, ठीक है, जिसमें 10 मंडलास है, ठीक है, 10 मंडला और सबसे पुराना बुक है, ठीक है, ऋग्वेदा। और इसमें आप बोल सकते हैं कि 1028 हाइमंस है, हाइमंस मतलब श्लोक, ठीक है, आप संस्कृत में श्लोक पढ़ते होंगे उसे बोलते हैं हाइमंस, तो 1028 हाइमंस है। और इसके 10th मंडला में पुरुषुकुटा का मतलब जिक्र किया है, मतलब पुरुषुकुटा मतलब वर्ण सिस्टम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अर्ली वैदिक एज में वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशनल था, जैसे जो काम करता था उसके हिसाब से वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र होता था। लेटर वैदिक एज में रिजिट हो गया जिस फैमिली में पैदा होता था। तो 10th मंडला ऋग्वेदा में बताया वर्ण सिस्टम के बारे में। और ऋग्वेदा को किसने किया, ऋग्वेदा को जो रिसाइट किया है ये होत्री ने रिसाइट किया है। और ऋग्वेदा के बहुत बार पूछते हैं कि थर्ड मंडला में क्या है, तो ऋग्वेदा के थर्ड मंडला में गायत्री मंत्र है, ठीक है, जो हम गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ते हैं, ये ऋग्वेदा के थर्ड मंडला में। अब देखिए सामवेदा, ठीक है, अब सामवेदा क्या होता है, सामवेदा को बोलते हैं बुक ऑफ मेलोडीज, ठीक है, या बुक ऑफ म्यूजिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपने ध्रुपद रागा सुना होगा, ध्रुपद रागा आपका इसी में का पार्ट है, ठीक है, सामवेदा। सामवेदा मतलब बुक ऑफ मेलोडीज या बुक ऑफ म्यूजिक। और सामवेदा को गाने वाले उगात्री थे, उगात्री, ठीक है, जैसे आपको ऋग्वेदा को किसने रिसाइट किया था, होत्री, वैसे सामवेदा को रिसाइट करने वाले उगात्री थे, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इन सबका उपवेद होता है, ठीक है, हर वेद का उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, जिसका मतलब होता है प्रिटेंड टू मेडिसिन के बारे में, ठीक है। और आप सामवेद का उपवेद क्या होता है, गंधर्व वेद, एग्जाम में पूछ देता है कि सामवेद का उपवेद क्या होगा, तो गंधर्व वेद मतलब म्यूजिक। फिर आता है हम अजुर्वेद के बाद में जानेंगे, ठीक है, अजुर्वेद बेसिकली में क्या है, अजुर्वेद मतलब हो गया आपका बुक ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है, इसको किसने रिसाइट किया था, इसे अद्वायु ने रिसाइट किया था। और अजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद मतलब आर्ट एंड वॉरफेयर, ठीक है, अजुर्वेदा का उपवेदा क्या है, धनुर्वेदा, ठीक है। तो हर वेदा का उपवेदा होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं अथर्ववेदा, ठीक है, अथर्ववेदा क्या है, अथर्ववेदा बुक ऑफ मैजिकल बोलते हैं, ठीक है, इसको अथर्ववेदा को ब्रह्म वेदा भी बोलते हैं। और अथर्ववेदा का उपवेदा है शिल्पवेदा मतलब आर्ट एंड लिटरेचर। और अथर्ववेदा में बताया गोल्ड स्मिथ, लोहार, सुनार के बारे में बताया, ठीक है। और अजुर्वेदा में एक और मैं बता दूं, जो अजुर्वेदा बुक ऑफ सेक्रीफाइस बोलते हैं उसे अद्वायु ने तो रिसाइट किया है, पर उसमें दो है, एक प्रोस के फॉर्म में और एक पोएट्री के फॉर्म में है, मतलब प्रोस हो गया आपका कहानी के और पोएट्री मतलब पोएम के फॉर्म में। तो जो कृष्णा ब्लैक है वो प्रोस के फॉर्म में और शुक्ला वाइट वो पोएट्री के फॉर्म में, ठीक है। अब हम जानते हैं स्मृति, ठीक है, स्मृति लिटरेचर क्या है, ठीक है, हमने अभी तो श्रुति जाना, स्मृति देख लियो, ब्रह्मनास हो गए, ठीक है। अब ब्रह्मनास क्या है, बेसिकली ब्रह्मनास कुछ नहीं है, प्रोस कमेंट्री ऑफ वेदास है, ठीक है,
जैसे वेदास होते हैं ना, वेदास तो स्लोगन्स है, ठीक है। अब ये स्लोगन्स को समझाएगा कौन, तो उसको थोड़ा उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया ब्रह्मनास में, ठीक है। और देखियो हर वेदा का बहुत सारे ब्रह्मनास होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो आप ब्रह्मनास को, ठीक है। और देखिए तैतरीया ब्रह्मनास सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट ब्रह्मनास है। और सप्तपथा ये भी एक 100 पाथ होता है सप्तपथा, मतलब ये भी एक ब्रह्मनास है। आप जानते हैं अरयन का क्या है, ठीक है। अरयन का बेसिकली में ये बोलते हैं फॉरेस्ट बुक, इसको फॉरेस्ट सेजेस मतलब जो फॉरेस्ट श्रद्धालु थे ना उनने लिखा है, ठीक है। तो फॉरेस्ट बुक भी बोलते हैं, बहुत बार पूछते हैं फॉरेस्ट बुक किसे बोलते हैं, तो अरयन कास को, ठीक है। और ये कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मनास है, मतलब जैसे ब्रह्मनास है कमेंट्री, ये भी एक टाइप का कमेंट्री है। उसके बाद हम जानते हैं उपनिषद, ठीक है। उपनिषद टोटल 108 उपनिषद है, और बहुत बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग क्लोज टू टीचर टू लर्न, मतलब अपने गुरु के पास बैठ के कुछ सीखना, ठीक है, ये मीनिंग होता है। अब देखिए उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव विजयते ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप सीधे लिखेंगे कि मुंडुका उपनिषद से सत्यमेव विजयते लिया गया है। और पूछता है कि तमसोमा ज्योतिर्मय ये किस उपनिषद से लिया गया, तो आप सीधे लिखेंगे वृद्धनायिका उपनिषद से लिया गया। अब जान लेते हम क्या वेदांगास, ठीक है। वेदांगास बोलते हैं लिम्ब ऑफ वेदास, ठीक है, मतलब वेदास के अंग को वेदांगास बोलते हैं, ठीक है, लिम्ब ऑफ वेदास, ठीक है, वेदांगास मतलब। इसमें भी 6 होते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा को इंग्लिश में फॉन्टेनिक्स बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में हिंदी में दे देगा आपको, इंग्लिश में पूछेगा मैच करो, तो शिक्षा को फॉन्टेनिक्स बोलते हैं, ज्योतिषी को एस्ट्रोलॉजी, छंद को मैट्रिक्स, निरुक्ता को इटिमोलॉजी, व्याकरण को तो आप जानते हो ग्रामर, ठीक है। तो ये सब लिम्स ऑफ वेदास है, मतलब वेदास के अंग हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इपिक, इपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ देता है इपिक्स के बारे में। अब महाभारत के बारे में जानते हैं, महाभारत किसने लिखा था, एकदम याद रखिएगा वेद व्यास ने महाभारत लिखा था, और ये सबसे ओल्डेस्ट है, और ये इसमें जो महाभारत में टोटल 100,000 verses है, ठीक है, और ये वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। और रामायण किसने लिखा था, रामायण लिखा था वाल्मीकि ने, ठीक है, तो रामायण ने वाल्मीकि ने लिखा था, इनको अभिकाव्य भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेगा कि रामायण के राइटर कौन है, और ऑप्शन में अधिकाव्य दिया हो तो अधिकाव्य आप टिक मारना, क्योंकि वाल्मीकि को ही अधिकाव्य बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, ये पूछता है कि जो गीता है, गीता जिसपे हम कसम खा के कोर्ट में कसम खाते ना, गीता पे हाथ रखे, वो कहाँ से लिया गया, तो महाभारत के भीष्म पर्वन से लिया गया, ठीक है। और महाभारत में सबसे बड़ा पर्वन कौन है, शांति पर्वन, और गीता किससे लिया गया, महाभारत के भीष्म पर्वन से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जानेंगे कि पर्वंश क्या है, पर्वंश टोटल 18 है पर्वंश, और सबसे पुराना पर्वन क्या है, मत्स्य पर्वन है, ठीक है, ये सबसे पुराना मत्स्य पर्वन है, फिर विष्णु पर्वन भी है बहुत सारे, ठीक है, तो ये आप जान लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि अब देखिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि बहुत बार एग्जाम में पूछता कि बुक ऑफ ग्रामर है ना, जिसे व्याकरण बोलते हो, किसने लिखा था, वो अष्टधायिनी बाय पाणिनि ने लिखा था। बुक ऑफ ग्रामर को बोलते हैं अष्टधायी, जिसने लिखा किसने था, पाणिनि ने लिखा था। बुक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कौन सा है, सुल्व सूत्रा, ठीक है, सुल्व सूत्रा बुक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स है। लॉ बुक ऑफ हिंदू मनुस्मृति है, जिसे महाराज मनु ने लिखा था। अतिथि देवो भवो ये किस उपनिषद से लिए हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, अतिथि देवो भव किस उपनिषद से लिए हैं, तो आप बोलेंगे तैतरीया उपनिषद से अतिथि देवो भव लिखे, ठीक है, लिए। अब देखिए ये जब वैदिक एज खत्म हुआ, वहाँ के बाद महाजनपद स्टार्ट हो गए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि टोटल 16 लार्ज स्टेट्स थे जिसको महाजनपद कहा गया, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है, ठीक है। और टेक्स्ट का क्या नाम है, अंकुतर निक्या, ठीक है, इस टेक्स्ट में मेंशन है कि टोटल 16 बड़े बड़े स्टेट्स थे जिसे महाजन जिनको मिलकर महाजनपद बना। अब आप देख सकते हैं कौन कौन से महाजनपद, ठीक है, कोशाला का कैपिटल था श्रावस्ती, ठीक है, आप देख सकते हैं अंगा का चंपा कैपिटल था, मगध का राजगृहा, वज्जी का क्या था वैशाली, माला का खुशीनगर एंड पावापुरी, तो ये आप सब देख सकते हैं, ठीक है, ये महाजनपद थे, ठीक है, और उनके कैपिटल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट करेंगे
हरियंका डायनेस्टी एक्सपेंशन ऑफ मगध, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।